हे गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेड साउथ इंडियन चटनी की रेसिपी। मेरी तो ये स्पेशली मोस्ट फेवरेट है। जहाँ पर भी डोसे के साथ ये रेड साउथ इंडियन चटनी मिलती है, मैं वहाँ का डोसा ज़रूर ही खाती हूँ। और ये चटनी पर्सनली मुझे बहुत पसंद आती है। ज़रूरी नहीं है कि साउथ इंडियन फूड के साथ ही आपको ये चटनी बनानी है, आप किसी भी फूड के साथ इसको इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आता है देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। रेड साउथ इंडियन चटनी बनाने के लिए एक नॉनस्टिक पैन में मैंने लिया है 1 टीस्पून सरसों का तेल, 8-10 करी लीव्स डाली हैं, मेरे पास सूखी हुई थी तो वो डाल दी हैं, फ्रेश हो तो वही यूज़ कीजिए, 1 टेबल स्पून सूखी उड़द की धुली हुई दाल, 1 टेबल स्पून चना दाल, ये दोनों ही दालें सूखी हुई हैं, बिना भीगी हुई हैं, वही ऐड कीजिए, 2 खड़ी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कीजिए। कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे तो इस चटनी का कलर बहुत अच्छा आएगा। 1 बड़ी प्याज जिसको मैंने चॉप करके ऐड किया है, इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हमें सभी मसाले फ्राई करने हैं तभी इसका एक टेस्ट अच्छा सा उभर कर आएगा। उसके बाद मैंने लिए हैं यहाँ पर लगभग 2 टमाटर मीडियम साइज़ के थे, इसको भी मैंने बारीक बारीक चॉप किया है एंड इसको भी हम इसी तरह से पका लेते हैं। अब टमाटर और प्याज जल्दी से पक जाएं तो हमने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है, इसको भी अगेन मिक्स कर दिया है एंड 5 मिनट के बाद हम पैन को हटा लेते हैं। अब जैसे ही हम पैन को हटाते हैं हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ही ये प्याज टमाटर का मिक्सचर ठंडा हो जाएगा हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे एक मिक्सिंग ग्राइंडिंग जार में एंड देन हम इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। उसके पहले मैंने यहाँ पर ऐड किया है लगभग 1 टेबल स्पून इमली का पल्प, उसी के साथ थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए ताकि चटनी की कंसिस्टेंसी आए। सूखा नारियल का बुरादा मेरे पास था तो लगभग 2 टेबल स्पून ऐड किया है। ताज़ा नारियल है तो आप ताज़ा नारियल यूज़ कीजिए। एंड ये रही मेरी छोटी सी क्यूटी जो बड़े मज़े ले रही है जब ये रेड साउथ इंडियन चटनी बन रही है। तो बस अब मैंने इसको ग्राइंड कर लिया एंड ये देखिए कितनी बढ़िया टेस्टी रेड साउथ इंडियन चटनी बनकर है बिल्कुल तैयार। लेकिन अब ये तैयार नहीं है, अभी इसमें तड़का मारना बाकी है तभी ये एक्चुअल में लगेगी वही वाली साउथ इंडियन चटनी। तो चटनी को हमने बोल में निकाल लिया है, अब हम तैयार करते हैं इसका तड़का। तड़के के लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें अगेन सरसों का तेल यूज़ किया है, राई दाना हमने डाला है लगभग 1/2 टीस्पून, करी पत्ता डाला है और 1 खड़ी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। जैसे ही राई तड़कने लगे आप इसको हल्का सा ढक दीजिए, फ्लेम ऑफ कर दीजिए एंड गर्मा गर्म इस तड़के को ऐड कीजिए चटनी के ऊपर एंड लीजिए आपकी रेड साउथ इंडियन चटनी है बनकर बिल्कुल तैयार, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार ट्राई ज़रूर करना। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई, कि छोटी सी चटनी की ट्रिक पसंद आई, देन प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए एंड ये भी बताइए कि आप ट्राई कब करने वाले हैं, बहुत टेस्टी लगता है। आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने इसको सर्व किया था गर्मा गर्म सांभर एंड इडली के साथ में। ऐसे फूली फूली इडली कैसे बनाएं इसका रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में भी। देन उसको चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको सिखाया है फूली फूली इडली बनाना। एंड एक लाइक मेरी इस छोटी सी क्यूट सी बच्ची के लिए तो बनता है, ज़रूर लाइक कीजिएगा। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, एंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।